नेता और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक चिट्ठी लिखी है जी साहब को कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 4 जनवरी को जो पीटीएम होने जा रही है उसको कैंसिल कर दिया जाए। मुझे दुख भी हुआ, शर्म भी आई कि हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो मंत्रियों के पद पर बैठे हैं जिनको पीटीएम से चिढ़ है। आपको राजनीति करनी है, शिक्षा पर राजनीति करो ना। पूरे देश में आपको इतनी शानदार मैंडेट मिली है चारों तरफ, केंद्र में आपके बहुत सारे स्कूल है, वहां अच्छे करो स्कूलों को, कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो। आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को ठीक करो, आप हरियाणा के सरकारी स्कूलों को ठीक करो, आपके पास देश में कई राज्यों में सरकार है उनके स्कूलों को ठीक करो, दिल्ली में आपके पास नगर निगम के स्कूल है उनको ठीक करो। लेकिन आप सिर्फ राजनीति की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको रोकना चाहते हो, षड्यंत्र के तहत। हर्षवर्धन जी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पीटीएम को कैंसिल कराने के लिए चिट्ठी लिखने की एलजी को? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात पे मुझे दुख भी है और गुस्सा भी है कि हमारी दिल्ली में एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सीनियर लीडर भी हैं जिनको पेरेंट टीचर मीटिंग से दिक्कत हो रही है। ऐसा है कि उनकी पार्टी की संस्कृति और उनकी भाषा का तो मैं प्रयोग कर नहीं सकता। मैं पिछले 25 साल से अपने पब्लिक डीलिंग में सवेरे रोज़ कम से कम 500 से 1000 लोगों से मिलता हूं, और मेरे घर में सुबह 7:30-8 बजे के बाद 25 साल से बिना अपॉइंटमेंट कोई भी मुझे आके मिल सकता है। कल मुझे जो दिल्ली के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की जो एसोसिएशन है वो सारे लोग अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ आके मिले, उन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन की कॉपी दी जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है कि 4 तारीख को दिल्ली के स्कूलों में जो मीटिंग आप करने के लिए सोच रहे हैं, 4 तारीख को इतना ही कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसको 4 तारीख को मत करिए। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कोई भी रिक्वेस्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट को हम कंसर्न जो एरिया है वहाँ पर उसको फॉरवर्ड करते हैं। हमने उनकी चिट्ठी को लेफ्टिनेंट गवर्नर को फॉरवर्ड कर दिया कि इस पर आपको जो अप्रोप्रिएट इसके ऊपर एक्शन लेना हो। ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, ये काम मैं 25 साल से कर रहा हूँ। अगर कोई भी आके मुझे कोई निवेदन करेगा तो उसके निवेदन को सही क्वार्टर्स तक पहुँचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, और वो जिस तरह की भाषा दिल्ली के शिक्षा मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई वो शिक्षा मंत्री है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षा के जो है वो मालिक हो गए हैं। हर एक व्यक्ति को, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी जो संस्था है, आफ्टरऑल वो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट स्कूल के हजारों टीचर्स के, और अगर वो कोई एक विषय रख रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सरकार के मुखिया हैं उनको लिख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो है दिल्ली के एक सांसद के पास और दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय मंत्री है उसके पास आकर अपनी बात को कह रहे हैं, तो उसको जो है सरकार के लोग इतने बौखला के चैलेंज क्यों कर रहे हैं, इतनी घटिया बातें क्यों कर रहे हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।